तो आज की जो क्लास है इसमें हम एक और प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें हम मल्टी वे ब्रांचिंग, जिसमें हम सेलेक्ट केस का यूज करेंगे, सेलेक्ट केस। तो साथ में हम सेलेक्ट केस तो समझेंगे ही समझेंगे, साथ में हम एक प्रैक्टिकल का प्रोग्राम भी कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सिंपल प्रोग्राम है यहाँ पर। राइट प्रोग्राम टू प्रिंट डे नेम। डे नेम मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके का डे नेम होता है अकॉर्डिंग टू गिवेन नंबर। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर बोलूं तो एग्जाम्पल इसका कुछ ऐसा होगा कि जो आपका आउटपुट होगा, अगर आपने 1 दिया तो आउटपुट में आएगा संडे, ठीक है। अगर आपने 2 दिया तो आउटपुट में आएगा मंडे। इस प्रकार से अगर आपने 3 दिया तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, और ऐसे 7 अलग अलग नंबर होंगे। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, 1 देने पर संडे, 2 देने पर मंडे, इस तरीके का आउटपुट आएगा। ये आपने पहले भी सी वगैरह का प्रोग्राम बनाया होगा या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होगी तो उसमें भी आपने इसको यूज किया होगा। तो इसको हम मल्टी वे ब्रांचिंग भी कहते हैं। मल्टी वे ब्रांचिंग का यूज करते हैं हम इसमें। मल्टी वे ब्रांचिंग का मतलब होता है कि जब आपके पास एक से अधिक ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 7 ऑप्शन है, 1 में संडे, 2 में मंडे, 3 में वेडनेसडे, ट्यूजडे, तो 7 अलग अलग ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो एक दो से अधिक अगर ऑप्शंस होते हैं तो उसको मल्टी वे ब्रांचिंग बोलते हैं, और उसके लिए सेलेक्ट केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सेलेक्ट केस स्टेटमेंट को एंड करते हैं एंड सेलेक्ट स्टेटमेंट से, और साथ ही साथ इसके अंदर हम मल्टीपल केस तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर केस 1, केस 2, केस 3, इस तरीके से डैश 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 में केस n, यानी 10, 20, 50, 1000 जितने केसेस आपको बनाने हैं बना सकते हैं। मल्टी वे ब्रांचिंग, जैसे एक एल्स में सिर्फ दो ही केस होता था, ट्रू या फॉल्स, सेलेक्टेड, रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, यहाँ पर 2 से अधिक केसेस हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। वो आपके ऊपर है आप कितने केसेस बनाते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है कि आप यहाँ पर किस तरीके से यूज करते हैं इसको। चलिए इस प्रोग्राम को हम अभी बना करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले कोई प्रोग्राम अगर हमको बनाना होता है तो हमें इनपुट और आउटपुट सेट करना होता है। सबसे पहले हमारा इनपुट और आउटपुट क्या है वो हमको पता चलेगा, तभी हम उसकी डिजाइन तैयार कर पाएंगे, क्लियर है। तो इस प्रोग्राम में इनपुट क्या होगा? इनपुट होगा एक नंबर, 1 नंबर। जैसे आपने 1 दिया तो आउटपुट में क्या आएगा? एक टेक्स्ट। आउटपुट में क्या आएगा? एक टेक्स्ट। तो मैं यहां पर आउटपुट डिसाइड कर लेता हूं, 1 टेक्स्ट। तो जो आपका फॉर्म डिजाइन नंबर इनपुट लेने की सुविधा होनी चाहिए, एक आउटपुट देने की सुविधा होना चाहिए, और एक बटन होना चाहिए जिसपे हम क्लिक करके कोड एग्जीक्यूट करा सके, ठीक है। तो नंबर इनपुट करने के लिए हम बनाएंगे टेक्स्ट बॉक्स, नंबर को आउटपुट देने के लिए भी बनाएंगे टेक्स्ट बॉक्स, और इसको रन करने के लिए हम बनाएंगे कमांड बटन। आप सभी को पता है कि टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, कमांड बटन क्या होता है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देख चुका है। कोड पे आते हैं तो अपना डिजाइन तैयार करते हैं। सबसे पहले हम 2 टेक्स्ट बॉक्स यहां पर बनाते हैं, एक में इनपुट होगा और दूसरे में आउटपुट होगा। इन दोनों को ब्लैंक कर देते हैं। ब्लैंक करने के लिए इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, चारों तरफ यहाँ पे डॉट्स आएंगे। डॉट आने के बाद यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें टेक्स्ट 1 लिखा है उसको डिलीट कर देंगे। सेम वैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर चारों तरफ डॉट आ जाएगा, यहाँ पर टेक्स्ट 2 लिखा होगा, और यहाँ पर टेक्स्ट में जाकर के इसको डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर एंटर क्या करना है उसके लिए हम यहाँ पर 2 लेवल ले लेते हैं। ये पहला लेवल है और ये दूसरा लेवल है, क्लियर है। पहले लेवल में लिखते हैं एंटर ए नंबर,
और दूसरे लेवल पे हम लिख सकते हैं रिजल्ट या डे गेम, क्योंकि हमको डे गेम चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रिंट या चेक या सेलेक्ट या रिजल्ट, कुछ भी ऐसा लिखिए कि इसको देख करके सामने वाले को पता चले कि क्या होने वाला है, क्लियर है। तो ये हमारा फॉर्म डिजाइन रेडी है। अब जब मैं इसको रन करता हूं तो ये मेरा फॉर्म यहाँ पर रन हो रहा है, फॉर्म रन हो रहा है। जब मैं यहाँ पर लिखूंगा वन, इनपुट में मैंने क्या दिया, एंटर नंबर वन, और जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आना चाहिए संडे, अभी नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें कोड नहीं किया गया है, क्लियर है। अगर कोड कर देंगे तो वन लिखने पर क्या आएगा, संडे, टू लिखने पर आएगा मंडे, थ्री लिखने पर आएगा ट्यूसडे, ऐसे ही सेवन लिखने पर आएगा सैटरडे, और एट लिखने पर क्या आएगा, एट नाम से तो कोई डे होता नहीं है। तो जब भी वन टू सेवन आप लिखेंगे तो आउटपुट आएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ और लिखते हैं जैसे नाइन टेन हंड्रेड टू हंड्रेड, कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे तो उसमें आपका लिखा हुआ आएगा इनवैलिड इनपुट, चाहे एक से कम दे चाहे सात से अधिक दे, सिर्फ वन टू सेवन देने पर ही वो आउटपुट देगा, ऐसा हमको कोड करना है। ऐसा कोड करने के लिए हम मल्टीवे ब्रांचिंग स्टेटमेंट का यूज करेंगे, जिसके लिए हम सेलेक्ट केस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको फिलहाल सात केसेस बनाने होंगे, क्लियर है। सात केसेस बनाते हैं तो अपना कोड कर लेते हैं। चलिए तो जब मैं प्रिंट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा dim d as integer, d है इसलिए d लिखिए, और d की जो वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है, टेक्स्ट वन से आएगी। d की वैल्यू कहाँ से आएगी, टेक्स्ट वन से, क्लियर। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेलेक्ट केस, जैसे मैंने वहां पर लिखा था if else, वहां पे सेलेक्ट केस लिखेंगे और इसको बंद करेंगे केस याद रखिए, सेलेक्ट केस को एंड सेलेक्ट से बंद करते हैं। सेलेक्ट केस में देखिए रेड आ गया, यहाँ पर कुछ एरर है। एरर क्या है, वो हमको सेलेक्ट केस में हमको केस के साथ एक वेरिएबल देना होता है, जैसे मैं यहाँ पर दे दिया डी, यहाँ पर क्या दे दिया डी, तो डी में जो भी नंबर होगा जब मैं इसको रन कराऊंगा और यहां पर मैं दे देता हूं टू, तो ये जो टू है क्योंकि ये टेक्स्ट वन है, ये जो टू है ये टेक्स्ट वन का जो वैल्यू है वो कहां चला जाएगा, डी में, यानी डी में क्या आ गया टू, तो डी में जब ये जो डी है इसकी वैल्यू जो भी रहेगी उसके हिसाब से यहाँ पर आपको केस एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पर मैं फिलहाल पहले सात केस बना लेता हूं, केस वन, ठीक है, केस टू, ध्यान देंगे केस और वन के बीच में गैप है, कई लोग गैप नहीं लिखते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस तरीके से मैं सात केस बना लिया, थ्री फोर फाइव सिक्स और केस सेवन, सात केस बन गए। और एक एक्स्ट्रा केस बनाना पड़ेगा, केस एल्स। केस एल्स का मतलब है कि अगर आप वन देंगे तो ये रन होगा, टू देंगे तो ये रन होगा, थ्री फोर फाइव, लेकिन आठ देते हैं, हंड्रेड देते हैं, टू हंड्रेड देते हैं तो ये रन होगा। एक से सात के बीच में देने पर ये होगा, और नहीं एक से सात के बीच में कोई वैल्यू नहीं देते हैं आप, जैसे हंड्रेड दे दिए, एट दे दिए, टेन दे दिए, तो ये वाला रन होगा। केस वन में हम लिखेंगे टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट इक्वल टू संडे, ठीक है। सेम इसी तरीके से लिखेंगे केस टू, केस वन में लिखेंगे संडे, केस टू मैं सबको कॉपी कर लेता हूं पहले। तो अगर केस वन है तो इसमें क्या लिखेगा, लिखा रहेगा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे
इस तरीके से आपको मैंने केसेस बना दिए हैं। देखिए तो केसेस आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर डी की वैल्यू जो है, डी की वैल्यू अगर 1 होगी तो सिर्फ केस 1 रन होगा और कोई केस रन नहीं होगा। तो टेक्स्ट 2 में क्या लिखा हुआ आएगा? संडे। डी की वैल्यू अगर 2 है तो सिर्फ केस 2 रन होगा और उसमें लिखा आएगा मंडे। 3 है तो ये रन होगा, 4 है तो ये रन होगा, 5 है तो ये रन होगा। सिर्फ इनमें से मल्टी वे ब्रांचिंग, मतलब यहाँ जो 7 केस बने हुए हैं इनमें से केवल एक ही आएगा, 7 के 7 या कोई 2 ऐसा नहीं आएगा, केवल एक आएगा। क्लियर? तो अगर 1 से 7 देते हैं तो ये आउटपुट आएगा, अदरवाइज इनवैलिड डे आएगा। क्लियर है? मैं जब इसको रन करता हूं तो आप आउटपुट देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पर 1 दे रहा हूं तो आउटपुट आएगा संडे, 2 देने पर आएगा मंडे। इसी तरीके से मैं 9 दूंगा तो क्या आएगा? इनवैलिड डे। 7 देने पर क्या आएगा? सैटरडे। ठीक है, अगर मैं 8 ही देता हूं तो 8 इनमें से कोई नहीं मिला तो केस एल्स रन होगा। इसका बेसिकली प्रोसीजर क्या होता है इसको हम भी समझ लेते हैं। ये हमारा कोड है, इसको हम समझते हैं कि ये एक्चुअल वर्क कैसे करता है मल्टी वे ब्रांचिंग। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब यहाँ पर ये टेक्स्ट 1 है, इसका नाम जो है वो है टेक्स्ट 1 और इसका नाम जो है वो है टेक्स्ट 2 और इसका नाम है कमांड 1। तो आप इसको समझिए इस तरीके से कि कोड में लिखा हुआ है कमांड 1 पर क्लिक करने पर, जब भी मैं कमांड 1 इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या कोड होगा? एक बॉक्स क्रिएट होगा डी नाम से और टेक्स्ट 1 में जो टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट 1 में क्या लिखा है? 8। 8 की वैल्यू कहां चले जाएगी? 8 की वैल्यू आपके पास जाएगी इस डी में आ गई। यानी कि इस डी में जो वैल्यू होगी वो होगी 8। ठीक है, तो वही सेम वैल्यू यहां भी आ जाएगी, इस डी में क्या आ गया है? 8। अब ये जो सेलेक्ट केस होता है वो चेक करता है कि इनमें से कौन सा केस मैच हो रहा है। क्या एक केस 1 से मैच हो रहा है? नहीं। इससे हो रहा है? नहीं। किसी से मैच नहीं होगा तो ये वाला केस एल्स रन होगा, इसलिए इनवैलिड डे इनपुट आउटपुट में क्या दिखा रहा होगा? इनवैलिड डे। यहां पर आउटपुट में क्या आ रहा है? इनवैलिड डे, जो कि किस में आ रहा है? टेक्स्ट 2 में आ रहा है। क्लियर है? अगर यहां पर हम 3 देते तो ये वैल्यू कहां, क्या डी में क्या जाता? 3। इसमें आता 3। केस 1 मैच हो रहा है क्या? नहीं। 2 हो रहा है क्या? नहीं। 3 यस। तो टेक्स्ट 2 में ट्यूजडे। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टी वे ब्रांचिंग जो है वो हम यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम को हम मल्टी वे ब्रांचिंग की सहायता से आसानी से बना लिए। विजुअल बेसिक में मल्टी वे ब्रांचिंग के लिए सेलेक्ट केस स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। आप मल्टीपल केसेस यहाँ पर बना सकते हो और यहाँ पर केस एल्स लास्ट में बना सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम था, इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। डाउट अगर किसी को कुछ है तो आप लोग इसमें पूछिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें आपने कहा है कि अगर ए बी सी डी देने पर संडे मंडे आए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम 1 की जगह ए लिख देंगे और इसकी जगह बी, इसकी जगह पर हम सी लिखेंगे, इसकी जगह पर डी लिखेंगे, ई लिखेंगे, जी लिख देंगे। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग जब हम इसको रन करेंगे। और बस ये ध्यान दे रहे हैं कि कैपिटल ए लिखा है तो कैपिटल ए ही लिखना पड़ेगा हमको। यहाँ पर लिख रहे हैं तो ए लिखने पर ओके, टाइप मिसमैच है, केस का जो वैल्यू है यहाँ पर, जो टाइप मिसमैच जो प्रॉब्लम आई वो इसकी वजह से आई है क्योंकि हमने यहाँ पर इंटीजर लिया हुआ है, इसको हमको स्ट्रिंग लेना होगा। ठीक है, और यहाँ पर जब स्ट्रिंग लेते हैं तो वेल हटाना होगा हमें। वेल क्यों हटाना होगा? क्योंकि
क्योंकि वैल्यू जो है वो नंबर में कन्वर्ट कर देता है किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में लिए हुए वैल्यू को। तो जब हम इसको यहाँ पर रन करेंगे और यहाँ पर लिखते हैं हम ए, तो हमारे पास आउटपुट आएगा संडे। तो यहाँ पर हम जो डेटा टाइप है उसको चेंज करना भूल गए थे। हमने डेटा टाइप में पढ़ा भी है कि जो इंटीजर है वो केवल न्यूमेरिक वैल्यू को इनपुट लेता है। तो आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पर सी लेने पर ट्यूजडे, बी लेने पर मंडे का आउटपुट ला सकते हैं। अभी अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप इसको काफी अच्छे से इसको और बढ़ा सकते हैं कि आप यहाँ पर अगर 1, 2, 3 लिखते हैं, 1 लिखने पर जनवरी, 2 लिखने पर फरवरी, 3 पर मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से 12 केस आप बना सकते हैं। ठीक है, तो 12 केसेस बना करके आप इसी क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट डे नेम के बदले मैं लिखूंगा मंथ नेम अकॉर्डिंग टू गिवन नंबर। तो 1 देने पर क्या आएगा जनवरी, फेब्रवरी, 2 लिखने पर क्या आएगा फेब्रवरी, और ऐसा 12 केस बनेगा। ये दोनों ही प्रोग्राम जो है वो सेलेक्ट केस की मदद से बनते हैं। आप चाहे तो ये सेलेक्ट केस का यूज करके इस प्रोग्राम को भी बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मल्टी वे ब्रांचिंग का एग्जाम्पल भी है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग।